नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरके टेक्निकल में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे यदि आप में नेटवर्क एरर या सिम कार्ड एरर का ऑप्शन आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेटवर्क एरर का मतलब है यदि आपका नेट में कुछ प्रॉब्लम है या सिम कार्ड एरर है तो सिम कार्ड में प्रॉब्लम है, तो आइए आपको बताते हैं इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि सिम कार्ड है दोस्तों तो आपको अपने डायलर पैड में जाना है और जिस भी कंपनी की सिम है उस कंपनी को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। कस्टमर केयर से आपको बात कर लेना है, सर हमारा नेटवर्क एरर का ऑप्शन है, आइए आपको बताते हैं जी आप ये प्रॉब्लम दूसरे सेटिंग से आप कैसे सही कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन शो हो रहा है, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपकी यहाँ पर जितनी भी सिम होगी यहाँ पर सेलेक्ट होने लगेगी, तो आपकी जिस कंपनी की सिम है उस कंपनी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आ जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन शो हो रहा है, एक्सेस पॉइंट नेम वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रिस्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो रिस्टार्ट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर रिस्टेट कर देना है। देखिए रिस्टेट हो रहा है, तो देखिए आपको यहाँ पर रिस्टेट कर देना है। देखिए यहाँ पर रिस्टेट कर देना है पिन सेटिंग को। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का ऑप्शन शो हो रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 2G मल्ली वाले पे रख कर फिर दोबारा आपको इस पर क्लिक करके आपको प्रेफेयर लाइटी वाले सेलेक्ट करना, जिससे आपका नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन हो रहा है, तो मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पर ऑफ है तो आप इसे ऑन कर दीजिएगा। यदि आप ये सेटिंग कर लेते हैं तो आपकी नेटवर्क एरर सिम कार्ड एरर का ऑप्शन सॉल्व हो जाएगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम।